चूंकि सबको इंजरीज थी तो इंजरीज में इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक तो जो मेरे पास सूचना है उसमें कन्फर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें, और हमने उसको 304 IPC 308 IPC के तहत हमने उसमें FIR किया है। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं, और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और DC साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे, और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सबके रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने, और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी तो उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। बाकी हमने DC ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कि कोई हाई लेवल इन जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी है उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हमें लगता है कि चूंकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है तो कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आके इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कमी किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने रिक्वेस्ट किया था इनसे जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है कि जो जो डिसीज्ड हैं और जो इंजर्ड हैं उनको जो है कंपनसेशन एडिक्वेट कंपनसेशन दे, उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे, बाकी जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, हम देखें कि वही घटना दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो हम इसका एक बार एग्जैक्ट कॉज इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उस पर जो लीगल एक्शन है, जैसे हमने बताया कि आपको स्ट्रिक्ट सेक्शन जो स्ट्रिक्ट जो जितना स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शंस हैं 304 IPC जो इसमें लग सकता है वो हमने लगाए हैं, जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा के प्रावधान हैं, और जिसमें जो भी जिसकी भी कमी आएगी चाहे वो ऑपरेशन में हो चाहे वो जो ओनर्स की तरफ से जिसके जो भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब वो बर्न वार्ड ट्रामा सेंटर में नहीं है, सब दर्जन आज के दिन बर्न के मामले में नंबर एक हॉस्पिटल है, वो जब 60, 70, 80% जल गए थे, जब उनकी चमड़ी उखड़ गई थी, तो यहाँ क्यों लेकर आए वो? उन्होंने दिल्ली क्यों नहीं पहुँचाया और फिर यहाँ से PGI भेज दिया? तो ये इलाज में जो देरी हुई है ये मौत का कारण है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और नंबर तीन, हम ये कहने के लिए आए कि सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा घोषित नहीं किया गया है। वो ड्यूटी के दौरान मरे, मृतक के आश्रितों को, उनके डिपेंडेंट्स को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, घायल को 50 लाख रुपया मुआवजा दे, और ये जांच की जाए कि लेबर विभाग क्यों सोता रहा, उन्होंने जाकर चेक क्यों नहीं किया, जो उसकी ड्यूटी बनती है वो मैनेजमेंट की चाय पीकर क्यों आ जाते थे। तो ये तमाम घोर लापरवाही, जानबूझकर की गई लापरवाही का मामला है, और वो बिहार और यूपी के हैं, इसलिए यहाँ लोग चुप रहेंगे। इस देश का हर नागरिक, दुनिया का हर इंसान इंसान होता है, उनके भी माँ बाप हैं, और जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, उनके बगल में काम करने वाला आज श्रमिक नहीं है, उनका भाई नहीं है, परंतु मैनेजमेंट क्या कह रही है कि तुम काम करो, तुम उत्पादन करो, हमको मुनाफा कमा कर दो। ये मैनेजमेंट की जो बर्बरता है,